चंद्रपुर जिले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने चंद्रपुर के जिलाधिकारी विनय गौड़ा को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने राज्य पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ को यह आदेश दिया। जिलाधिकारी की गिरफ्तारी की जैसे ही खबर सामने आई, प्रशासन में खलबली मच गई है। क्या है पूरा मामला? जिवती तहसील के कुसुम्बी गांव के आदिवासियों की जमीन के मामले में विनोद खोबरागड़े ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में जिलाधिकारी विनय गौड़ा को 16 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन कलेक्टर स्वयं आयोग के सामने पेश नहीं हुए। उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर तृप्ति सूर्यवंशी पेश हुई। इस कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस महानिदेशक को कलेक्टरों को गिरफ्तार कर 2 मार्च तक आयोग के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा आयोग में की गई शिकायत के अनुसार पहले माणिकगण और अब अल्ट्राट्रेक सीमेंट इंडस्ट्रीज समूह द्वारा पिछले 36 साल से राजूरा तहसील के कुसुम्बी गांव में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। इसको लेकर पिछले कई सालों से अदालत में मामला चल रहा है। नमस्कार, जयमीन जयमारा, जय संविधान। मैं विनोद खोबरागड़े तलाटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। इन्होंने आज चंद्रपुर के जिलाधिकारी श्री विनय गौड़ा इनके ऊपर अटक वारंट निकाला है और उसको तुरंत अटक करके दिल्ली लाने के लिए माननीय महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक इनको जो सेठी साहब है इनको ये आदेश किया है। नेम का ये प्रकरण क्या है कि जब ये कौसम्बी गांव चंद्रपुर जिले के जो जीवती तालुक में कौसम्बी गांव है, वहाँ के 24 साथीवारी को आदिवासी की 63.62 हेक्टर जमीन अर्थात 200 एकड़ जमीन यहाँ के मानिकगढ़ कंपनी और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इनलीगल काम कर रहे थे। टोटली उनकी जमीन उध्वस्त किया, उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया, रिहेबिलिटेशन नहीं किया, रिसेटलमेंट नहीं किया और 42 साल से इनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे थे। यहाँ के आमदार खासदार मंत्री सब सोए वाले हुए थे, एक भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के साथ सभी एक भी इनके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। इतने यहाँ पे कलेक्टर वो तालुका चेंज करके जब बिक्री करके दे रहे तब भी वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। तो ये और मैंने ये 2013 से ये बुलंद आवाज किया और ये आदिवासी के अन्याय ऊपर अन्याय हो रहा है, तो इसके ऊपर आवाज उठाए, उसको मुआवजा देने की आवाज उठाया, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई किया, बेकायदेसी कार्रवाई किया। ये बात मैंने सब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय हर्ष चौहान साहब को मैंने बताया, उनको कंप्लेंट किया, तकरार दिया, 3/6/2022 को तकरार दिया, उसके बाद 17/8/2022 को तकरार दिया, उसके बाद 29/9/2022 को उन्होंने नोटिस निकाला अजय बुलाने के जिलाधिकारी महोदय के नाम से, वो हाजिर नहीं हुए, फिर उसकी तुरंत बदली हो गई, फिर विनय गौड़ा साहब आए, फिर विनय गौड़ा साहब को उन्होंने नोटिस भेजा 2/1/2023 को, वो नोटिस को उत्तर नहीं दिए, फिर उनको और समन भेजा और समन देने के बाद 2/16/2023 को हाजिर होने के लिए बोला, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और 30/1/2023 को यह बोगस अहवाल यानी आयोग को दिया और ये मैं दिल्ली में जाके उसका पूरा पर्दाफाश किया, बैंड बजा दिया और ये गलत काम किया करके आयोग को बताया और वो खुद नहीं आते हुए एक डिप्टी कलेक्टर को वहां पे भेजा था और आयोग ने तुरंत एक्शन लेके उनके ऊपर अटक वारंट निकालने का आदेश किया और ये आप देख सकते हैं कल ऑर्डर हो गया है अटक वारंट का उनका और ये ऑर्डर होके अभी ये माननीय आयोग की तकरार है मैंने किया। ये जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग है उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेंट किया था यानी नोटिस दिया था, फिर समन दिया था, फिर भी हाजिर नहीं हुए। ये जिलाधिकारी विनय गौड़ा साहब का बोगस रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट को भी आज तक गुमराह कर रहे थे 42 साल से यहाँ के पूरे कलेक्टर लोग और आयोग को भी करने की कोशिश किया लेकिन उसका पर्दाफाश मैंने किया। ये शंतनु गोयल है जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताइडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।